हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्राजक्ता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ऑफिस प्रो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड जी सूट रिलेटेड डेली रूटीन में यूज होने वाले इनडेप्थ नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ ये चैनल पर शेयर करूंगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिस प्रो। आप मुझे मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेशन, क्लिपबोर्ड एंड पेस्ट स्पेशल। फ्रेंड्स, आप नॉर्मली जानते ही होंगे कट पेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बट अगर हमारे किसी दोस्त को पता नहीं होगा तो मैं क्विकली समझा देती हूँ। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड में आपको एक सीजर का आइकॉन दिखेगा। इसकी हेल्प से हम डाटा को कट कर सकते हैं। मैंने डाटा सिलेक्ट किया। अब मैंने ये सीजर के आइकॉन पर क्लिक करके कट कमांड यूज किया। अभी मैं डिजायर्ड सेल पर जाके ये पेस्ट के आइकॉन पर क्लिक करते ही यहाँ डाटा कट एंड पेस्ट हो गया है। कट ऑप्शन यूज करने का शॉर्टकट की है Ctrl+X। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डेटा को फॉर्मेटिंग किया हुआ है। अगर मुझे सेम टेक्स्ट एंड नंबर फॉर्मेटिंग किसी दूसरे सेल में अप्लाई करना है तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर एक शॉर्टकट मेथड के जैसा यूज होता है। मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया है। फॉर्मेट पेंटर का आइकॉन पेंट ब्रश की तरह होता है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो मेरे कर्सर के यहाँ पेंट ब्रश का आइकॉन आ गया है। मैंने डिजायर्ड सेल में जाके क्लिक करते ही फॉर्मेटिंग वो एरिया पर अप्लाई हो गई। जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, टेक्स्ट एंड नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। मेरा कर्सर अभी क्लिपबोर्ड एरिया में है। इस एरो पर क्लिक करते ही क्लिपबोर्ड का ऑप्शन एक्सपांड हो जाएगा। अगर आपको बार बार मल्टीपल शीट या मल्टीपल एरिया से डेटा कॉपी करना हो तो एंड अलग सेल में पेस्ट करना है, वो टाइम आपको ये कमांड बहुत यूजफुल है। अभी मैं कॉपी ऑप्शन यूज करके ये सेल से डेटा कॉपी करती हूँ। आप क्लिपबोर्ड के ये बॉक्स में देख सकते हैं कॉपीड डेटा ऐड होते जा रहा है। डेटा कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+C यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा पेस्ट करना है तो आप वो डेटा पे क्लिक करके डिजायर्ड एरिया में पेस्ट कर सकते हो एंड ऑल डेटा पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल का ऑप्शन यूज करके डेटा पेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो सभी डेटा पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट फीचर है कॉपी एज पिक्चर। कॉपी आइकॉन के यहाँ ड्रॉपडाउन का एरो है। यहाँ पर आप कॉपी एज पिक्चर ऑप्शन सिलेक्ट करते ही पॉपअप ओपन होगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एज शोन ऑन स्क्रीन, उसमें हम पिक्चर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। डेटा पेस्ट करने के लिए आप ये पेस्ट के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा एज पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। हम फिर से कॉपी एज पिक्चर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है कॉपी एज शोन ऑन स्क्रीन। अभी हम बिटमैप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। डेटा कॉपीड हो गया है।
अभी डिजायर्ड सेल सिलेक्ट करके हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डेटा एज पिक्चर पेस्ट हुआ है। लेफ्ट एंड टॉप साइड का बॉर्डर बिटमैप ऑप्शन में रिमूव हो जाता है। हम फिर से कॉपी एज पिक्चर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है एज शोन व्हेन प्रिंटेड। ये ऑप्शन सिलेक्ट करके हम ओके पर क्लिक करेंगे एंड डिजायर सेल पर जाकर पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये पिक्चर ऑप्शन में बीच के रोज एंड कॉलम्स के बॉर्डर का विड्थ थिक हो जाता है। अभी हम एक्सेल का बहुत पावरफुल फीचर पेस्ट स्पेशल सीखेंगे। डेटा सिलेक्ट करके हम कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कॉपीड रेंज हाईलाइट हो चुकी है। डेटा पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे, Ctrl+V। यह है नॉर्मल यानी ऑल कॉपी पेस्ट फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला। मैंने फिर से डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+C की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से फॉर्मूला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने लगाई हुई नंबर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हट चुकी है एंड फॉर्मूला वर्क कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मैंने फिर से डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+C की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। इसके हेल्प से आप नंबर फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूला दोनों एक साथ पेस्ट कर सकते हो। मैंने करेंसी एंड डेसिमल का जो नंबर फॉर्मेट सेट किया था वो यहाँ कॉपीड हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मैंने फिर से डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+C की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। यह ऑप्शन नॉर्मल पेस्ट की तरह ही वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नो बॉर्डर। मैंने फिर से डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+C की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। यह ऑप्शन के हेल्प से डेटा पेस्ट करते वक्त बॉर्डर रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विथ विड्थ। एक बार मैंने फिर डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+C की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से कीप सोर्स कॉलम विड्थ सिलेक्ट करूँगी। ये बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा पेस्ट होते ही एक्सेल ने सोर्स यानी कॉपी डेटा के विड्थ अनुसार कॉलम साइज एडजस्ट किया है। जब आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं तो आपको उनकी विड्थ साइज फिर से एडजस्ट करनी पड़ती है। ये फंक्शन के यूज से आपका वर्किंग टाइम रिड्यूस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज। एक बार मैंने फिर डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+C की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ ट्रांसपोज सिलेक्ट करूँगी। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो रोज का डेटा कॉलम में एंड
कॉलम का डेटा रोज में पेस्ट हो गया है। ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल एंड टाइम सेविंग है। जब आपको कोई कॉलम एंड रोज का डेटा रीअरेंज करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू। एक बार मैंने फिल डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ वैल्यू सिलेक्ट करूँगी। एक्सेल ने मेरे डेटा में से नंबर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूला रिमूव कर दिया है। ये ऑप्शन जब आपको कोई सेल में फॉर्मूला लगाते वक्त परेशानी हो रही है या फिर डेटा रिप्रेजेंट करते वक्त फॉर्मूला रिमूव करने हैं तभी ये फंक्शन यूजफुल है। नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। एक बार मैंने फिर से डेटा सिलेक्ट किया है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करूँगी। एक्सेल ने मेरे डेटा में से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूला रिमूव कर दिया है एंड सोर्स डेटा की नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। एक बार फिर मैं डेटा सिलेक्ट करती हूँ। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी की प्रेस करके डेटा कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट आइकॉन के नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करूँगी। एक्सेल ने ये फीचर में टेक्स्ट एंड नंबर फॉर्मेटिंग एज इट इज रखा है एंड फॉर्मूला रिमूव कर दिया है जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं वो टाइम अगर कॉपीड डेटा में डेट होगी तो पेस्ट एज वैल्यू में डेट का फॉर्मेट सीरियल नंबर में आता है तो हम वहाँ डेट फॉर्मेटिंग फिर से अप्लाई करते हैं। वहाँ ये फीचर बहुत यूजफुल है। आज के सेशन में हमने कट, कॉपी, कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट एज वैल्यू यूज करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के फॉर्मेटिंग, लिंकिंग एंड एक्स्ट्रा फीचर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।